नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की कुछ खास खबरें। ईरान में फंसे 250 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ईरान में फंसे 250 भारतीय श्रद्धालु कोरोना वायरस संक्रमित है और उन्हें वापस नहीं लाया जा सका है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है, जैसे ही संभव होगा उन्हें वापस लाया जाएगा। हमें कैसे पता? चीन में कोरोना वायरस के मामलों पर संदेह जताते हुए यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन में कोरोना वायरस मामलों की सटीकता पर संदेह जताते हुए कहा कि हमें कैसे पता कि ये आंकड़े सही हैं। उन्होंने जितने मामले बताए वे काफी कम लग रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के अनुसार चीन में कोरोना के 82,392 कंफर्म मामले हैं और वह 3,193 लोगों की मौत हुई है। इटली में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13,155 हुई, 16,847 हुए ठीक। इटली में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 727 लोगों की मौत के बाद वहां बुधवार तक संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,155 हो गई है। वहीं संक्रमण के 4,782 कंफर्म मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या 110,574 हो गई है। हालांकि 16,847 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि 4,035 लोग आईसीयू में हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।